गलत सब यहाँ गलत। कंटिन्यूटी बड़ा इम्पोर्टेंट हिस्सा है। पहले ये चैप्टर 12th का होता था, उसको निकाल के नाम रख दिए 11th। और हम लोग को कुछ हिस्सा डेरिवेटिव का यहाँ पर क्या करा है, एक्सप्लेन करा है, जिसको आप लोग आम भाषा में कैलकुलस बोल रहे हो, या मैं जो बोल रहा हूँ कि मुझे कैलकुलस पढ़ाना है, ठीक है। तो बिफोर द पेपर आपके प्रीलिम्स से पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कैलकुलस भी, और अगर पॉसिबल हुआ वो चैप्टर अगर कंप्लीट हो जाता है, मुझे कैलकुलस दो लेक्चर में समझाना रहेगा, कैलकुलस जब कंप्लीट हो जाएगा तो फिर हम लोग फिजिक्स का भी एक चैप्टर स्टार्ट कर लेंगे। वैसे मुझे स्टार्ट करना 4th चैप्टर, नहीं भाई 4th चैप्टर अपना प्योरली मैकेनिक्स का बेस चैप्टर है, नहीं भाई थोड़ा लेंथी चैप्टर है, और वो चैप्टर जो है ना बच्चे लोग ड्राई चैप्टर, ड्राई समझते हैं, मतलब उसके अंदर कोई एंटरटेनमेंट वाला काम नहीं, प्योरली मैकेनिक्स है। हाँ वो बस एक कैलकुलस है, ठीक है, पहले से बता रहा हूँ कि बी रेडी फॉर दैट, बट डोंट वरी इंटरेस्टिंग बनाएंगे इसको भी, ठीक है। हाँ बेटा प्रीलिम्स अपने टाइम पर होगा, उसका टेंशन मत लो, जो टाइमिंग चेंज होगी डेट जो चेंज होगी आप लोग पूरा कंप्लीट दी जाएगा उसका, ठीक है। अब जरा उसकी तैयारी करो, करीब आ गया प्रीलिम्स तो थोड़ा सा उस पर भी फोकस करेंगे हम लोग। लास्ट चैप्टर वैसे तो प्रीलिम्स का सिलेबस कंप्लीट हो गया, बट ये एक्स्ट्रा का है कंटिन्यूटी, या फिर इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन मैंने जब लिमिट्स पढ़ाया था तभी आपको एक्सप्लेन किया, किसी को याद है कंटिन्यूटी लिमिट्स सभी लोग ने पढ़ ली। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, मुझे अगर मैं नॉर्मल टर्म में कंटिन्यूटी का मतलब बोलूं, कोई चीज कंटिन्यूअस है मतलब क्या, मतलब सर उसको ड्रॉ करने के लिए आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसी चीज को हम क्या बोलेंगे कंटिन्यूअस। तो बट मैथमेटिक्स में तो ऐसा नहीं लिख सकते, आप जब मैथ्स पढ़ रहे हो तो मैथ्स में तो ऐसा नहीं बोल सकते कि बिना पेंसिल उठाए लिख दिया तो भैया ये ऐसा हो गया, ऐसा तो फिर सब जगह पेंसिल उठाना ही पड़ता है। तो कंटिन्यूटी मैथ्स के टर्म में कैसे डिफाइन, तो इस बात को समझते हैं। मैं यहाँ पर अलग अलग ग्राफ बता रहा हूँ समझाने के लिए। मान लो मैंने यहाँ पर एक पॉइंट बनाया, ये होल है मुझे फील नहीं, ये होल है कैसा है, और इस पॉइंट पर लेट से ये ए है, ये क्या है चलो ए पर इसकी वैल्यू यहां पर कहीं पर, ठीक है लेट से मैं बताऊं 10 कितना है 10। अच्छा मैं एक पॉइंट ऐसा बना देता हूं, ठीक है, और एक पॉइंट ऐसा बना ऐसे ये 5 कितना है 5, ये 10 है, ये वाली वैल्यू कितनी है 10 है, और ये वाली कितनी है 5। अब सर ध्यान से समझो, इन टर्म्स ऑफ मैथ्स आप किसी चीज को कंटीन्यूअस कब बोलोगे, इस बात को समझते हैं। देखो अगर आप इस फंक्शन को ध्यान से देखो, तो अगर मैं फंक्शन को लेफ्ट साइड से अप्रोच करूं, फंक्शन को कहां से अप्रोच करूं लेफ्ट साइड से, और अगर मैं फंक्शन को कहां से अप्रोच करूं, अगर इन दोनों साइड से इसका आंसर क्या आ जाए सेम, मतलब मैं लेफ्ट से आया तो भी यही था, राइट से आया तो भी, मतलब फंक्शन क्या होगा कंटिन्यूअस, नहीं फंक्शन कंटिन्यूअस, ध्यान से सुनो इसी, देखो अगर लेफ्ट साइड से आ रहे तो कितना है, इस पे वैल्यू लिख देता हूं लेट से, ये वाली वैल्यू कितनी है 5, कितनी बचे लो 5, मतलब जब आप ए की तरफ लेफ्ट साइड से आओगे तो भी आंसर कितना है 5, आप राइट से आओगे तो भी आंसर कितना है, मतलब लेफ्ट हैंड किसके बराबर है, एलएचएल किसके बराबर है बच्चों, बट अगर आप देखो सर ए पर उसका आंसर कितना है, अरे सर्कल का मतलब ये वैल्यू ए पर डिफाइन, ए पर है कितना उसका आंसर 10। अब आप बताओ लेफ्ट साइड से कितना है, राइट साइड से कितना है, बट उस पॉइंट पर वैल्यू कितनी 10। अब आपको बताओ क्या ये कंटिन्यूअस हो, यहां से आऊंगा तो फिर मुझे ऊपर जाना पड़ेगा ना, उठ के आएगा ना, उठाना पड़ेगा कि नहीं पहले आया ना, यहां से ऐसा बनाते हुए आया, अब मुझे उस पॉइंट पर उठा के पेन वहां पर बनाना पड़ेगा, पॉइंट वहां प्लॉट उठाया ना मैंने, पॉइंट पेन उठा दिया मैंने, क्या ये कंटिन्यूअस हुआ, बोलने का मतलब ये है
कि क्वांटिटी भी अगर डिफाइन करना है तो सिर्फ लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल होने से फंक्शन कंटिन्यूअस एलएचएल अगर आरएचएल के बराबर है, वैल्यू ऑफ द फंक्शन फ्रॉम लेफ्ट साइड एंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन फ्रॉम राइट साइड, अगर ये दोनों सेम भी है तो भी, क्योंकि उस पॉइंट पर वो एफ ऑफ ए के बराबर, मतलब उस पॉइंट पर उसकी जो वैल्यू है उसके बराबर हो, इसीलिए फंक्शन कंटिन्यूअस, फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, फंक्शन इज ध्यान से देखिए, क्लियर है? अच्छा ये वाला, ये तो साफ साफ दिख रहा है कि सर ये यहां तक था फिर यहां से यहां पर चले गए, मतलब सर लेफ्ट हैंड साइड से आएंगे तो वैल्यू कितनी 5, राइट हैंड साइड से वैल्यू कितनी 10, राइट हैंड साइड से वैल्यू कितनी, मतलब यहां तो साफ साफ दिख रहा है कि एलएचएल आरएचएल के ही बराबर थी। अरे हाँ ना, एलएचएल अगर आरएचएल के बराबर नहीं है तो क्या फंक्शन कंटिन्यूअस है? नहीं सर, यहाँ पर भी फंक्शन क्या हो गया? देखो ध्यान से कंटिन्यूटी की कंडीशन क्या है, चलो इस केस में देखो, अगर आप लेफ्ट साइड से आ रहे हैं तो भी आंसर कितना है 5, अगर आप राइट साइड से आ रहे तो भी आंसर कितना है 5, और एक बार भी आंसर कितना है 5। बोलने का मतलब ये है कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड वैल्यू ऑफ फंक्शन एट दैट पॉइंट, ये तीनों जब इक्वल होंगे तब मैं क्या बोलूंगा कि मेरा फंक्शन क्या है कंटीन्यूअस, वरना मैं बोलूंगा मेरा फंक्शन क्या है मैथ्स के टर्म्स में समझ में आया? अब अगर आप ध्यान से देखो तो क्या निकालना है, लिमिट्स क्या निकालना है, मतलब कंटिन्यूटी सॉल्व करने के लिए आपको क्या आना चाहिए, बस बात समझ में, कंटिन्यूटी का बेसिक समझ में आ गया। अब सवाल ये उठता है कि सर व्हाई वी आर लर्निंग द कंटिन्यूटी, तो सिंपल सा लॉजिक है, आप पहले तो ये समझ रहे हो कि भैया एक फंक्शन उसको बिना पेन उठाए मैं ड्रॉ कर सकता हूँ या नहीं, वेदर इट इज ए कंटिन्यूअस और डिस्कंटिन्यूअस, पहली चीज। हर बार हम लोग बना तो नहीं सकते ग्राफ, तो हम लोग लिमिट्स की मदद से क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि मेरा फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं। दूसरी चीज, आपको जब डेरिवेटिव निकालना पड़ता है, डेरिवेटिव निकाले सीखे हो एटलीस्ट थोड़ा बहुत पढ़े हो डेरिवेटिव्स के बारे में फिजिक्स के अंदर, जब आप डेरिवेटिव निकालते हैं तो उसकी कंडीशन, हम लोग डेरिवेटिव कौन से फंक्शंस का निकालते हैं, कंटिन्यूअस फंक्शन इसका निकालते हैं, चलो अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तब आप उसका डेरिवेटिव निकालोगे वरना नहीं। अरे समझा कि नहीं, सिंपल सी बात है, अगर कोई फंक्शन का आप डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, इफ अ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, ध्यान से सुना, इफ अ फंक्शन इज देन इट इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन, देन इट इज अ, आप समझे मैंने क्या बोला, अगर कोई फंक्शन का आप डेरिवेटिव निकाल सकते हैं मतलब वो फंक्शन कंटिन्यूअस है, बट वाइसा वर्सा अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस हुआ तो क्या उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है वो चेक करना पड़ेगा, वो क्या करना पड़ेगा चेक करना पड़ेगा, वो कैसे देखेंगे वो बाद में देखेंगे, आगे वाले चैप्टर में सीखेंगे कैसे निकालते हैं, ये यहां से आएगा अपना कैलकुलस, यहां से क्या आएगा अपना कैलकुलस, कड़ी छोड़ देता हूं वहां पे लाके, जब कैलकुलस पढ़ेंगे तो फिर कहानी वापस से यहीं से स्टार्ट करेंगे। आज ग्रुप में कहानी शेयर किया था मर्डर मिस्ट्री, नहीं ठीक आज भी नहीं आई है सर, उसके घर पे कॉल करना तो मुझे बता, ठीक है बटर मिस्ट्री बाद में जाके देखना, दसवीं बारहवीं में तुम लोग को भी पढ़ाऊंगा। पहला बैक टू द टॉपिक, लिमिट अगर पता होगी तो ही कंटिन्यूटी सॉल्व कर सकते हैं, और कंटिन्यूटी का मतलब मैंने आपको बता दिया कि कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है, अगर कोई फंक्शन को मैं लेफ्ट साइड से अप्रोच करूं, किसी फंक्शन को मैं राइट साइड से अप्रोच करूं, और उस पॉइंट तीनों चीज ना सिर्फ लेफ्ट और राइट से बात बनने वाली, ये वाला केस इसीलिए समझाया था, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड वैल्यू ऑफ फंक्शन एट दैट पॉइंट, अगर ये तीनों सेम आएंगे तो ही मैं क्या बोलूंगा मेरा फंक्शन कंटिन्यूअस है वरना मेरा फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, सिंपल बच्चा। अच्छा अब जरा बात करते हैं डिसकंटिन्यूटी, ये तो बात किस पे हो गई, कंटिन्यूटी पे, बात करते हैं डिसकंटिन्यूटी। डिसकंटिन्यूटी दो तरीके की होती है, एक होती है जंप डिसकंटिन्यूटी, कैसी होती है, और एक होती है रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। जंप बोले तो जो जिसकी डिसकंटिन्यूटी को आप खत्म नहीं कर सकते, जिसकी कंटिन्यूटी को आप खत्म, जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, यार फंक्शन देखो, चलो इस पॉइंट को ध्यान से देखो, आप जब लेफ्ट साइड जाएंगे तो फंक्शन कुछ और, आप जब राइट साइड से फंक्शन कुछ, भैया जैसे एक एग्जांपल ही देता हूं, मैं बोलता हूं कि भैया ये लेट्स से ये x plus y plus 2, x plus y plus 2 लाइन है ना, लाइन की इक्वेशन लिखूंगा, और ये क्या है लेट्स से 2x plus y plus 8, क्या ये दोनों सेम है, नहीं ये दोनों सेम, बोलने का मतलब ये है कि इन दोनों की वैल्यू ही अलग अलग है ना,
लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू अलग है, राइट हैंड लिमिट की वैल्यू अलग है, क्या आप उसको बदल सकते हैं? वेरिएबल्स को हम नहीं बदल सकते सर, कांस्टेंट होता तो हम क्या कर सकते थे? बदल सकते। कांस्टेंट होता तो हम लोग क्या कर सकते थे? बदल सकते। तो बोलने का मतलब ये है कि अगर LHL RHL सेम ना हो, LHL RHL लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का आंसर ही सेम ना हो, तो मैं बोल दूंगा कि ये जो फंक्शन की डिसकंटिन्यूटी है वो जंप डिसकंटिन्यूटी। कैसी है? मतलब आप उस डिसकंटिन्यूटी को हटा नहीं सकते, उसको कंटिन्यूअस नहीं बना सकते, उसको कंटिन्यूअस। जैसे ये वाला केस देखो, यहां पर अगर LHL RHL के बराबर था ना, LHL किसके बराबर है? बट सर फिर भी मेरा फंक्शन कैसा था? डिसकंटिन्यूअस। क्यों? क्योंकि सर एट पॉइंट उसकी वैल्यू कितनी थी? 10। बोलने का मतलब ये है कि मैं इसको कंटिन्यूअस बना सकता। कैसे? मैं इस पॉइंट को 10, जैसे ए पे कितना आंसर 10 है ना, मैं अगर ए को 10 की जगह 5 बना दूं, कितना बना दूं? 5। तो मेरा फंक्शन क्या हो जाएगा? कंटिन्यूअस। अरे हां यार भैया, आप समझ रहे कि नहीं? मैं नंबर को चेंज कर सकता हूं, आप समझ रहे हैं क्या? बराबर चलो LHL RHL के बराबर था, बस उस पॉइंट पर उसका आंसर कितना आना चाहिए था? 5, मगर आया कितना था? 10। तो मैंने भैया अगर 10 की जगह कितना कर दे, रीडिफाइन कर दे उसको, तो फंक्शन क्या हो जाएगा? कंटिन्यूअस। फंक्शन क्या हो जाएगा? यहां पर आप बदल, आप फंक्शन को नहीं बदल सकते, फंक्शन में वेरिएबल्स है। फंक्शन में क्या है? और आप लोग वेरिएबल को बदल नहीं सकते, कांस्टेंट को बदल सकते हैं। उसको बोल सकते हैं कि भैया 10 की जगह आंसर 5 कर दो इस पॉइंट पर, तो आपका फंक्शन क्या हो जाएगा? कंटिन्यूअस। तो अपने को एग्जाम प्रॉब्लम में पूछता है, अपने बोलेगा भैया चेक करो फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं, पहला। दूसरा पूछता है कि चेक करो फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं, और अगर नहीं है तो बताओ कि क्या वो रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है या फिर इनविजिबल, मतलब आप रिमूव कर सकते हो या नहीं। तीसरा बोलता है कि अगर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है और डिसकंटिन्यूटी रिमूवेबल है तो उसको रीडिफाइन करो। उसको क्या करो? प्रोसेस अपने वही रहेगा। रीडिफाइन कैसे करना है वो बाद में हम लोग देखेंगे। क्लियर है? बेसिक समझ में आ गया? कंटिन्यूटी का मतलब समझ में आ रहा है? चलो हम लोग बेसिकली क्या करने वाले, कंटिन्यूटी जब हम लोग बात करते हैं, कंटिन्यूटी की जब हम लोग बात करते हैं कि भैया मेरा फंक्शन मैं बिना पेन उठाए ड्रॉ कर सकता हूँ, या आम भाषा एकदम सिंपल भाषा। बट सर बार बार ये बोलना अच्छा नहीं लगता मैथ्स के टर्म में, इसीलिए हम लोग कैसा होता है इसको लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट एंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट। अब एक चीज को समझ, कुछ बेसिक्स इसको और समझ लें। एवरी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन इट्स डोमेन। ध्यान से सुनना, कहां पर? अपने डोमेन के अंदर। कोई भी ट्रिग्नोमेट्री देखो, ट्रिग्नोमेट्री याद है ना, ये बिना पेन उठाए ड्रॉ कर रहा हूं, ये साइन है, ये कॉस है, अरे हाँ ना, ये टेन है, अरे हाँ है ना भाई, बिना पेन उठाए ड्रॉ कर रहा हूं, इसका मतलब ये क्या है? कंटिन्यूअस। एवरी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज ए कंटिन्यूअस, एवरी लॉगरिथमिक फंक्शन इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन, बट इट इन इट्स डोमेन। अपने डोमेन, डोमेन के बाहर चले जाएंगे तो कंटिन्यूटी, क्योंकि सर उस पॉइंट तो वो डिफाइन ही नहीं है, तो आप कंटिन्यूटी कहां से चेक करें? समझ में आ रहा? तीसरा, एवरी एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन, बट इन इट्स डोमेन। समझ में आ रहा? एवरी पॉलीनोमियल फंक्शन इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन, कोई भी पॉलीनोमियल फंक्शन होगा तो वो क्या होगा बच्चे लोग? कंटिन्यूअस। अरे समझा कि नहीं? ये बेसिक है, पता होना चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो कंटिन्यूअस होगा, अगर पॉलीनोमियल फंक्शन है तो कंटिन्यूअस होगा, एक्सपोनेंशियल है तो कंटिन्यूअस होगा, लॉगरिथमिक होगा तो कंटिन्यूअस। क्लियर है यहां तक? अच्छा, कुछ अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी की बात कर लेते हैं। ध्यान से देखो सर, मैं क्या बोल रहा हूं बच्चे लोग, मान लेते हैं कि अपने पास दो फंक्शन है जो कंटिन्यूअस है। कैसे है? मान लो कि मेरे पास एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स है और एक फंक्शन जी ऑफ एक्स, ये दोनों ही क्या है? कंटिन्यूअस। आपका मैथ्स थोड़ा सा लेट आया, ठीक है चलो कोई बात नहीं, आज वैसे भी लिमिट्स को बेचारी को आता नहीं है तो उसको कंटिन्यूटी नहीं समझेगा, ठीक है। अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स, सॉरी अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी। मैं क्या बोला बच्चे लोग, मान लो कि अपने पास दो फंक्शन है जो कैसे हैं? कंटिन्यूअस हैं। तो अगर आप इन दोनों को ऐड करोगे तो उनको ऐड करने के बाद भी जो फंक्शन आएगा वो क्या होगा? कंटिन्यूअस। एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स अगर कंटिन्यूअस है तो एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स भी क्या होगा? अगर माइनस कर दूंगा तो भी क्या होगा? सिमिलरली अगर मैं इनको मल्टीप्लाई कर दूं, क्या कर दूं, तो भी क्या होगा? सिमिलरली अगर मैं इनको डिवाइड कर दूं तो भी क्या होगा? अगर मैं इनका कंपोजिट फंक्शन लूं, क्या ले लूं? वो याद है, ऑफ ऑफ एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स,
ये लोग भी क्या होंगे कंटीन्यूअस, ये लोग भी क्या होंगे अरे समझना जी नहीं पक्का। कंटिन्यूटी की डेफिनेशन समझ में आ गई, कैसे निकालना है समझ में आ गया, अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी समझ में आ गई। लिख लो फिर स्टार्ट। पहला एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 1 का 1। लिमिट सभी को याद होनी चाहिए। क्या बोल रहा है? एग्जामिन दी कंटिन्यूटी। आपको सिर्फ क्या चेक करना है फंक्शन कंटिन्यूअस है पहला क्वेश्चन देखो बच्चा क्या बोल रहा है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यू प्लस टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू। ये कौन सा फंक्शन? पॉलिनोमियल। ये फंक्शन कैसा बच्चे को बच्चे आपने वो कहा चेक करने बोला है एट एक्स इक्वल टू माइनस टू है ना। देखो अगर मैं यहाँ माइनस टू रख भी दे क्या रखे बच्चे लोग माइनस टू का क्यूब माइनस एट माइनस टू का स्क्वायर फोर फोर टू जा एट माइनस एट प्लस एट तो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस प्लस टू माइनस टू आंसर जीरो आएगा। लिमिट एग्जिस्ट करती है डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है। अरे हाँ है ना भाई और साफ साफ दिख रहा है कि सर ये पॉलीनोमियल फंक्शन है। कैसा फंक्शन है हमें पता है एवरी पॉलीनोमियल फंक्शन इज ए कंटीन्यूअस। सही बात है तो मैं क्या लिखूंगा सिंस फंक्शन इज पॉलीनोमियल सिंस फंक्शन इज देयरफॉर इट इज कंटीन्यूअस। अरे समझा कि नहीं पक्का गर्ल्स कौन ये बत्तीसी दिखा यहाँ है सेकेंड वाला देख। अब यहाँ पर अपने को चेक करना है थोड़ा ध्यान से देखिए सर सेकेंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है बोल रहा है एफ ऑफ एक्स की वैल्यू साइन एक्स है कितनी बचे लो ये कब है जब एक्स की वैल्यू और एक्स लेस देन इक्वल टू पाई बाय फोर और फिर बोल रहा है इसकी वैल्यू कितनी है कॉस एक्स है ये कब है जब एक्स की वैल्यू पाई बाय फोर से क्या है बड़ी है। कहां पर चेक करने बोल रहा है At x equals to pi by, अगर ये नहीं भी बोलता ध्यान से सुनो अगर ये नहीं भी बोलता तो भी मैं कहां चेक करता। अब आप बोलेंगे सत्य सर pi by 4 वो वैल्यू है जहां पर फंक्शन बदल रहा है। अरे हाँ है ना साइन एक्स कंटिन्यूअस कॉस एक्स भी कंटिन्यूअस है। अरे हाँ है ना तो भैया अगर मैं चेक कर लूं कि जिस पॉइंट पर हम लोग बदल रहे साइन एक्स से क्या हो रहा है अगर उस पॉइंट पर भी वो कंटिन्यूअस हुआ मतलब फंक्शन क्या है कंटिन्यूअस। अरे समझा कि नहीं मेरे क्या बोला मैं बोल रहा हूँ पाई बाय फोर वो पॉइंट है ना जिसपे फंक्शन बदल रहा है। अरे हाँ ना पाई बाय फोर से ज्यादा था तो फंक्शन कॉस एक्स था पाई बाय फोर या पाई बाय फोर से कम था तो फंक्शन बोलने का मतलब है कि पाई बाय फोर वो पॉइंट है जिसपे फंक्शन क्या हो रहा है बदल रहा है तो सर पाई बाय फोर पे चेक करते हैं लिमिट अगर वहां पर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और उस पॉइंट पर वैल्यू क्या आएगी सेम तो फंक्शन क्या कंटिन्यूअस। अरे हाँ अब एक बात और समझो इस केस में इक्वल टू और लेस देन के लिए एक ही कंडीशन कभी कभी इक्वल टू के लिए एक और कंडीशन देते हैं मगर इसमें देखो लेस देन और इक्वल टू के लिए भी क्या है सेम मतलब उस पॉइंट पर और उससे कम के लिए फंक्शन की वैल्यू हमेशा कितनी रहेगी साइन एक्स और ग्रेटर देन के लिए फंक्शन की वैल्यू कितनी है समझा तो तीसरी कंडीशन चेक करने की जरूरत। अरे समझे मैंने क्या बोला ठीक है मैं सॉल्व करके बता भी देता ध्यान से देखो सर सॉल्यूशन निकाल लेफ्ट हैंड और ग्रेटर देन दिख रहा है तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल दे और तो लिमिट x टेंस टू पाई बाय 4 माइनस f ऑफ x x टेंस टू पाई बाय 4 माइनस मतलब x की वैल्यू पाई बाय 4 से क्या है छोटी। अरे हाँ है ना भैया यही होता है ना माइनस का मतलब मतलब आप पाई बाय 4 को कहां से अप्रोच कर रहे हैं लेफ्ट से माइनस का मतलब यही बता रहा है ना पाई बाय 4 को आप कहां से अप्रोच कर रहे हैं लेफ्ट से अप्रोच कर रहे हैं मतलब पाई बाय 4 से छोटा पाई बाय 4 से छोटे के लिए फंक्शन क्या होगा बोलो जल्दी से। अरे बोलो साइन एक्स ना सर छोटे के लिए और इक्वल टू के लिए दोनों के लिए कंडीशन कितनी है साइन एक्स तो क्या कर लो साइन एक्स। अब ये तो इनडिटरमिनेट फॉर्म होने वाला नहीं डायरेक्टली एक्स की वैल्यू कितनी रख दो पाई बाय तो साइन पाई बाय साइन 45 कितना होता है ऐसे क्या निकालते हैं राइट हैंड लिमिट लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई बाय 4 प्लस प्लस का मतलब एक्स की वैल्यू पाई बाय 4 से बड़ी है बोलो क्या होगा तो सर लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 4 अपना फंक्शन कितना होगा cos x cos x अगेन सर डिनोमिनेटर तो है नहीं इनडिटरमिनेट जाने वाला नहीं है डायरेक्टली x की वैल्यू कितनी रख देते हैं cos 45 कितना होता है
सर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट क्या है? इक्वल टू के लिए चेक करूं, इक्वल टू के लिए भी तो यही आएगा ना फंक्शन, इक्वल टू के लिए भी कितना आएगा साइन, वही तो ना बोल रहा, लेस देन और इक्वल टू के लिए सेम फंक्शन। अब समझ में आया, तो अलग से इक्वल टू की निकालने की जरूरत नहीं। तो भैया एल एच एल आर एच एल एंड एफ ऑफ फाइव बाय फोर ये तीनों क्या है? देयरफॉर फंक्शन इज वेयर, अरे वेयर Yes, function is continuous at x equals to। इस बात को याद रखो, continuity तीन जगह पे चेक की जाती है, पहला उस पॉइंट पर, दूसरा इंटरवल में, तीसरा डोमेन में। अरे समझा कि नहीं? हम लोग तीनों टाइप के प्रॉब्लम धीरे धीरे देखिए। अभी बात किस पे चल रही है? पॉइंट। किस पे चल रही बात? पहला आगे बढ़ते इसी में, तीसरा क्या दिया बच्चों को? बोल रहा है कि f of x की वैल्यू x square minus 9 upon x minus 3, ये कब है? जब x की वैल्यू 3 नहीं। अब बोल रहा है जब x की वैल्यू 3 है तो आंसर कितना है? 8। एकदम सिंपल सा फंडा है, अपने को ये फंक्शन दिया है, अगर इसका मैं लिमिट निकालूं इसका आंसर कितना है? 8। इसका आंसर कितना है? मतलब फंक्शन क्या है? देखो यहाँ लेस देन ग्रेटर देन दिया हुआ, आपको ये नॉर्मल केस दे दिया, तो भैया सिंपल है, आप इसका लिमिट निकालो। आप क्या निकालो इसका? और आंसर देखो 8 आ रहा है। अगर आंसर 8 आएगा मतलब देखो 3 नहीं है तो फंक्शन कुछ ना कुछ तो है ना, 3 पे कितना है? 8। 3 के अलावा कुछ है तो ये, तो इसका आंसर निकालते हैं और देखते हैं 8 आ रहा है कि नहीं। अरे समझ में क्या, 3 के अलावा कुछ भी है तो ये है ना फंक्शन, अगर वो भी 8 है तो 3 पे तो 8 है ही ना, मतलब फंक्शन क्या हो जाएगा? बोलो एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन एक्स माइनस, क्या मैं 9 को लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर? क्या होगा बच्चा लोग? एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर अपॉन समझ क्या होगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होगा? लिमिट एक्सटेंड्स टू 3 ए माइनस बी ए प्लस बी, एक्स माइनस 3 से एक्स माइनस 3, अब अगर 3 रख दूं तो कोई दिक्कत, तो यहाँ 3 रखे 3 प्लस 3 आया? चलेगा क्या? फंक्शन इज डिसकंटीन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू मजेदार, यही है पैटर्न। क्वेश्चन नंबर 2 में फर्स्ट सेकेंड और थर्ड तीनों सेम पैटर्न में, मैं थर्ड वाला ले रहा हूं, अब ध्यान से देखोगे, अगर आपने प्रॉब्लम देखे तो अभी हम लोगों ने सेकेंड वाला जो प्रॉब्लम किए थे उसमें लेस देन ग्रेटर देन वाला टाइप था ना, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो राइट हैंड लिमिट निकालो, दोनों का आंसर सेम आया था, फंक्शन कंटिन्यूअस। सेकेंड वाला जो है वो थर्ड वाले के जैसा है, मतलब x टेंड्स टू 1 पर क्या करो लिमिट निकालो, अगर उसका आंसर 20 आया तो फंक्शन क्या होगा? कंटिन्यूअस। नहीं आया तो फंक्शन क्या होगा? मैं तीसरा वाला निकाल रहा हूं, जरा ध्यान से देखो क्या बोल रहा है। f(x) किसके बराबर है? क्या दिया है? x अपॉन tan 3x प्लस 2। ये कब है? जब x की वैल्यू 0 नहीं है। अब बोल रहा है कि इसका आंसर 7/3 है, कब? जब x की वैल्यू 0 या फिर 0 से बड़ी है, मतलब 0 और 0 से बड़ी के लिए आंसर कितना आ रहा है? 7। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, राइट हैंड के लिए तो पता है कि आंसर कितना दिया डायरेक्टली 7/3, लिमिट निकालने की जरूरत भी नहीं, मतलब इसका आंसर अगर 7/3 आया तो फंक्शन क्या हो जाएगा? पहले तो भैया हाँ बोलो, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो क्या होगा? लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, सही बात है, 0 पे चेंज हो रहा है ना, तो फंक्शन कहाँ चेक करेंगे? 0 पे। वैसे अगर नहीं भी बोलता तो कोई टेंशन नहीं, हम लोग कहाँ चेक करते हैं? उसने बोला है शायद से, बोला है क्या?
नहीं भी बोलता तो पता है सर जीरो पे वैल्यू बदल रही है, इसका मतलब फंक्शन डिसकंटीन्यूअस कहां पर होगा? जीरो पर। तो चेक करके देख लेते हैं कि डिसकंटीन्यूअस है। जीरो से कम के लिए फंक्शन क्या होगा बच्चे? अरे बोलो, एक्स अपॉन टेन थ्री एक्स प्लस सैंडविच थे ना एक्स अपॉन टेन एक्स, बट सर ये थ्री एक्स है तो इसको भी कितना बनाना पड़ेगा? तो थ्री से मल्टीप्लाई किया ना और थ्री से क्या कर दिया, ये बन गया। अब इसका आंसर कितना आने वाला है? बस अप्लाई लिमिट, तो वन बाई थ्री, इसका आंसर वन, टू तो एज इट इज पड़ा रहेगा, तो वन बाई थ्री इंटू वन कितना आएगा? वन बाई थ्री प्लस थ्री टू था सिक्स प्लस वन आ रहा है। अच्छा आर एच एल भी लिख देता हूँ, राइट हैंड लिमिट, मतलब लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो प्लस एफ ऑफ एक्स, और उसके लिए आंसर कितना डायरेक्टली लिख दू ना, सेवन बाय, दोनों सेम है, एल एच एल बराबर आर एच एल बराबर वैल्यू ऑफ फंक्शन एट दैट ग्रेटर देन इक्वल टू के लिए दोनों के लिए वही कंडीशन है। सर एल एच एल किसके बराबर है? आर एच एल किसके बराबर है? एफ ऑफ जीरो, देयरफॉर फंक्शन इज कंटीन्यूअस। अरे समझा कि नहीं भैया? आसान है पक्का, झूठ तो नहीं बोल रहे? हाँ मार्क्स, यस यस बोलो, मार्क कसम कर दूँ, ठीक है। थर्ड वाला देखो, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिया और उस टाइप का प्रॉब्लम उन्होंने सॉल्व नहीं किए थे फंक्शन में, तो उधर पे नहीं जा रहा हूँ मैं, फोर्थ वाला ले रहा हूँ। देखो जरा, वैसे तो मॉड का भी नहीं लिया बट मॉड का एक्सप्लेन करूंगा, जरा ध्यान से। आयशा मेरे से एक बार क्वेश्चन पूछी थी मॉडुलस फंक्शन में, तो उसको एक्सप्लेन करना, कहां चेक करना है? एट एक्स इक्वल्स टू माइनस, एट एक्स इक्वल्स टू माइनस, मॉड का फंक्शन है। नाउ वी नो दैट मॉड की दो वैल्यू होती है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो ध्यान से देखो, मैं इसको तोड़ के दो तरीके से लिखता हूँ, एक बार मैं लिखता हूँ प्लस टू एक्स प्लस थ्री और एक बार मैं लिखता हूँ माइनस टू एक्स, सही है। अच्छा पॉजिटिव कब आएगा इसका आंसर? देखो पॉजिटिव कब आएगा? जब एक्स की वैल्यू माइनस थ्री बाई टू से क्या होगी? बड़ी। ध्यान से देखो, अगर मैं यहाँ x की जगह माइनस थ्री बाई टू रखू, टू से टू माइनस थ्री प्लस थ्री कितना हो जाएगा? अरे माइनस, हाँ जाना बच्चे, माइनस थ्री बाई टू बोले तो माइनस वन पॉइंट फाइव, अरे हाँ जाना, माइनस वन पॉइंट फाइव इंटू टू करा तो माइनस थ्री, और उससे बड़ी वैल्यू मतलब माइनस वन पॉइंट फाइव से बड़ी माइनस वन हो, टू इंटू माइनस वन माइनस टू, माइनस टू प्लस थ्री कितना आ जाएगा? दिख रहा है ना, जैसे जैसे बढ़ते जाऊंगा उसका आंसर किस में आता जाएगा? प्लस। अब आप पूछेंगे सर ये आपको कैसे पता चला? पहले तो ऊपर दिया हुआ, पहली चीज। दूसरा कोई दिक्कत नहीं है भैया, आप उसको पता कर लो ना, 2x + 3 को अगर मैं 0 बना दूं, क्या बना दूं? 0। तो x की वैल्यू कितनी आएगी? माइनस 3/2। हां है ना भैया? तो सर अगर यहां पर मैं लेस देन लगाता तो x की वैल्यू अगर माइनस 3/2 से छोटी होती मतलब वो नेगेटिव होती, और माइनस 3/2 से बड़ी होती मतलब वो समझा, हां है ना, कोई इसमें बड़ा हम लोगों ने रॉकेट लॉन्चर नहीं लगाया, ठीक है। और यहां पे क्या लिख देते हैं? x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू के लिए भी ये रहेगा, क्योंकि इक्वल टू पर जीरो होगा, इक्वल टू पे कितना होगा? जीरो मतलब पॉजिटिव था, उसके पीछे है तो नेगेटिव। क्लियर है यार? अरे कोई दिक्कत? जीरो का आएगा ना, अगर मैं इक्वल टू पे रखूं तो आंसर कितना आ जाएगा? सिर्फ टू से टू कैंसिल, माइनस थ्री प्लस थ्री कितना होगा? जीरो, नेगेटिव तो नहीं है ना, इसीलिए इक्वल टू भी लगा। अब बस लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो, राइट हैंड लिमिट निकालो, इक्वल टू के लिए भी यही कंडीशन है, LHL अगर RHL के बराबर आ रहा है तो फंक्शन क्या होगा? वरना फंक्शन, तो भैया LHL निकाल दे, लिमिट x टेंड्स टू, ध्यान से देखना ये माइनस थ्री था पहले से, इस पे माइनस नहीं था, अरे ये माइनस में था ना, मैं छेड़छाड़ी नहीं कर रहा हूँ, माइनस में था। माइनस का मतलब क्या होता है? x की वैल्यू माइनस थ्री बाई टू से छोटी है, बताओ कौन सा फंक्शन है उसके? एक्स की वैल्यू माइनस थ्री बाई टू से छोटी, तो उसके आंसर क्या आएगा? माइनस ऑफ टू एक्स प्लस, एक्स की जगह कितना रखना है? माइनस टू, एक्स की जगह माइनस थ्री बाई टू प्लस टू से टू, माइनस थ्री प्लस थ्री, अरे हाँ है ना, जीरो माइनस लिखू ना, जीरो में प्लस लिखू, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा ऐसी क्या निकालेंगे? आर एच एल, लिमिट x टेंड्स टू माइनस थ्री बाई टू
प्लस, मतलब एक्स की वैल्यू माइनस थ्री बाई टू से क्या होगा बोलो फंक्शन, बोलो सर प्लस टू एक्स प्लस एक्स की जगह कितना रखना है, टू इंटू माइनस थ्री बाई टू प्लस टू से टू माइनस थ्री प्लस थ्री एलएचएल आरएचएल के बराबर आया, देयरफॉर फंक्शन इज लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ फंक्शन एट दैट, देयरफॉर फंक्शन इज, अरे समझा कि हर बार यही काम कर रहे हैं ना बच्चे लोग, ये कंटिन्यूस वो मैं थोड़ा सा स्लो में पाएगा ठीक है लिखो। लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 4 तक के हो गया था, 5 से स्टार्ट कर सभी लोग यहां ध्यान दीजिए क्या हो रहा है, टेस्ट द कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन एट द पॉइंट और इंटरवल, पॉइंट भी हो सकता है और इंटरवल, जैसे भी हमने पढ़ा था ना एट एक्स इक्वल्स टू 2 एट एक्स इक्वल्स टू 3, कभी कभी आपको होता है कि 3 से 4 के बीच में ऐसा भी बोल गया, तो हम लोग उस पर भी डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 सम नंबर 1 क्या बोला बच्चे लोग, बोल रहे कि एफ ऑफ एक्स जो है वो कितना है, रूट ऑफ एक्स माइनस 1 माइनस ऑफ एक्स माइनस 1 पावर में 1 बाई 3 अपॉन एक्स माइनस 2, आसान की बात करिए तभी याद है एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है, रूट ऑफ एक्स माइनस 1 माइनस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर 1 बाई 3 अपॉन एक्स माइनस 2। हम लोग को पता है कि अपने को चेक करना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं, देखो 2 जब होगा तो ये है, 2 नहीं होगा तो ये, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग चेक करते हैं कि इसका आंसर आ रहा कितना है, लिमिट लगाते हैं इसका आंसर निकालते हैं, अगर इसका 1 बाई 5 आंसर आया मतलब फंक्शन क्या है, सही बात है ना, और अगर 1 बाई 5 नहीं आया मतलब फंक्शन क्या है, डिस्कंटीन्यूअस। आम भाषा में आपको सिर्फ इसकी क्या निकालना है, लिमिट्स की, अगर आंसर 1 बाई 5 है तो विल से दैट फंक्शन इज राइट, चेक करें तो भैया निकाल दें लिमिट, कहां पर चेक करना बच्चों, 2 पर, कहां पर चेक करना है, लिमिट x इज टू 2 f ऑफ x, व्हाट इज f ऑफ x बच्चा लोग, रूट ऑफ x माइनस 1 माइनस x माइनस 1 का पावर 1 बाई 3 अपॉन x माइनस, अच्छा मैं रूट को लिख सकता हूं पावर में हाफ, अब इसको सॉल्व कैसे करें, डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं, अगर सर 2 रख देंगे तो 2 माइनस 2 तो 0 रहेगा, डिनोमिनेटर 0 चलेगा नहीं, तो कुछ टेक्निक लगा दें, क्या करें आप लोग कुछ आइडिया दो, पूरा लिमिट सॉल्व करना है हम लोग, कैसे सॉल्व करेंगे इस प्रॉब्लम, 1 बाय 1 चलते हैं सर, x रेस टू n वाला फॉर्मूला लगता है नहीं लगता, यहां पर भी x है यहां पर भी x है चलेगा नहीं सर, गया रैशनलाइजेशन नहीं सर, एक जगह क्यूब रूट है एक जगह स्क्वायर रूट है, फैक्टराइजेशन नहीं सर, अच्छा इसके अलावा लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी भी नहीं है नहीं सर, फॉर्मूला भी नहीं है x 1 + x समथिंग वाला क्या अरेंज करें, बचा क्या सैंडविच थ्योरम, सैंडविच थ्योरम तो sin x / x या x / sin x के लिए फॉर्मूला भी है, सिंपल सा लॉजिक है सर, सब्स्टिट्यूशन, अपने पास एक तरीका और है ना सब्स्टिट्यूशन, तो क्या करेंगे सब्स्टिट्यूट, दिक्कत कौन दे रहा है x माइनस 1, put x minus 1 is equals to t, put x minus 1 is equals to t, as x tends to 2, x किसकी तरफ है, तो 2 minus 1 कितना होगा, तो t किसकी तरफ जाएगा, 1, सही बात है, तो चलो मैंने आपको बताया ना जब भी सब्स्टिट्यूशन करेंगे लिमिट्स को क्या करते हैं चेंज करें, चेंज करो लिमिट t tends to 1, जहां जहां x minus 1 है उसकी जगह क्या होगा t rest to half माइनस टी रेस टू 1 बाई 3 नीचे, अच्छा यहां से एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा 1 प्लस टी, अरे हाँ है ना बच्चों माइनस 1 इधर आया तो प्लस 1, एक्स की जगह लिख देते हैं 1 प्लस टी माइनस 2, अरे हाँ है ना कोई दिक्कत, ध्यान से देखो 1 माइनस 2 कितना आ जाएगा माइनस 1, तो लिमिट टी टेंड्स टू 1 टी रेस टू हाफ माइनस टी रेस टू 1 बाई 3 नीचे हो गया टी माइनस, कुछ बना सर अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, हम लोग का फॉर्मूला होता है x रेस टू n माइनस a रेस टू n अपॉन x माइनस a, a नहीं है ना, मैं अरेंज कर देता हूं
है कि नहीं भैया? मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक बार माइनस वन करता हूँ और यहाँ पर एक बार इन दोनों को साथ में लिखते हैं और इन दोनों को साथ में लिखते हैं। इसमें से माइनस क्या निकाल लेंगे, कॉमन। याद आया कुछ? लिमिट टी टेंड्स टू वन क्या होगा? चलो टी रेस टू वन क्या है वो? माइनस वन। इन दोनों में से माइनस कॉमन, तो ये प्लस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? सर यहाँ हाफ है तो यहाँ पर भी क्या कर देते हैं, या वन बाय थ्री तो यहाँ क्या कर देते हैं? वन के बाद में कुछ भी को कोई फर्क पड़ रहा था नहीं बेटा, पहले समझ लो बात में, बहुत टाइम लगता है। सही बात है, डिनोमिनेटर कर देते सेपरेट, डिनोमिनेटर क्या कर देते हैं सेपरेट। सही है, कुछ सबका एक्स रेस टू एन माइनस ए रेस टू एन अपॉन एक्स माइनस ए, एक्स रेस टू एन माइनस ए रेस टू एन अपॉन, उसके लिए फॉर्मूला चाहिए था लिमिट एक्स रेस टू ए को है। अरे सब कुछ बना बनाया मिल गया, अब लगा दो फॉर्मूला। क्या होता है फॉर्मूला? एन ए रेस टू एन माइनस वन, ऐसी यहां पर एन ए रेस टू एन माइनस वन। सही बात है, चलो वन के पावर में कुछ भी हो कितना रहेगा वन, ऐसी यहां पर भी वन के पावर में कुछ भी हो कितना रहेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, थ्री वन सा थ्री, टू वन सा टू, थ्री टू सा कितना है आधा, कितना चाहिए? क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस है? फंक्शन इज कहां पर? एट एक्स इक्वल्स टू। अच्छा, क्या इस फंक्शन को कंटिन्यूअस बनाया जा सकता है? हाँ सर, अगर आप इस वन बाय फाइव की जगह लिखो वन बाय सिक्स, आपका फंक्शन क्या बताए? कंटिन्यूअस। बता रहा हूं मैं, बताया था ना हम लोग पूछता है कि डिसकंटिन्यूटी रिमूवेबल है या सर? रिमूवेबल है। कैसे रिमूवेबल है? अगर मैं 1 बाय 5 की जगह 1 बाय 6 लिख दूं तो मेरा फंक्शन क्या हो जाएगा? कंटिन्यूअस है। समझा? इसी में देखो सेकंड वाला टाइप, अगर आपको याद है तो रूट दिया हुआ है तो रैशनलाइजेशन से सॉल्व करेंगे। तीसरा वाला टाइप लेस देन दिया है ग्रेटर देन, तीसरा वाला सॉल्व करता है। देखो यहां पे बोला एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 4x प्लस 1 है, कब? जब x की वैल्यू 8 बाय 3 से क्या है कम है, और 59 माइनस 9x अपॉन 3 है, कब? जब x की वैल्यू 8 बाय, देखो अगर वो ना भी बोले ना कि 8 बाय 3 पे चेक करो, फिर भी हम लोग को पता ही, हम लोग कहां चेक करेंगे? क्यों सर? 8 बाय 3 वो पॉइंट है जहां पे इसकी वैल्यू बदल रही है, सिंपल सा लॉजिक है। बट उसने देखो बोला कि एट एक्स इक्वल्स टू 8 बाय, अच्छा आपको याद होगा जब लेफ्ट हैंड और राइट हैंड वाला केस आया था तो मैंने आपको बताया था तीन चीजें, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, वैल्यू ऑफ फंक्शन एट दैट पॉइंट, मतलब इक्वल टू के लिए। इस बार इक्वल टू और लेस देन के लिए एक ही कंडीशन है, तो अलग से इक्वल टू निकालने की जरूरत समझ में? लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं राइट हैंड, लेफ्ट हैंड और इक्वल टू दोनों क्या है? सेम ही है। अगर एलएचएल आरएचएल के बराबर है तो फंक्शन क्या होगा? तो फंक्शन कहां पे चेक करते हैं भैया, सभी लोग ध्यान से देखेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट बोले तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 8 बाय 3 माइनस, इसका मतलब एक्स की वैल्यू 8 बाय 3 से क्या है? बताया था ना ये एफ ऑफ एक्स, क्या होगा फंक्शन बोलो जल्दी से? फंक्शन क्या ये लेंगे ना 4x प्लस x की जगह कितना रखना है 8 बाय प्लस 1, 8 4 जा 32 अपॉन 3 प्लस 1, 3 1 जा 32 प्लस 3 अपॉन दैट इज 35 अपॉन। सही बात है, अब क्या लेते हैं? आरएचएल लेते हैं, राइट हैंड लिमिट क्या होगा? चलो लिमिट x टेंड्स टू 8 बाय 3 प्लस f ऑफ 8 बाय 3 प्लस, मतलब x की वैल्यू 8 बाय 3 से बड़ी, बड़ी के लिए क्या फंक्शन? अरे बोलो लिमिट x टेंड्स टू 8 बाय 3 सर 59 और माइनस 9x अपॉन, डिनोमिनेटर तो जीरो होने वाला, रख देते x की जगह, जीरो भी हुआ तो कोई टेंशन, डिनोमिनेटर तो नहीं है ना, रखो भैया वैल्यू कितनी होगी 59 माइनस 9x की जगह 8 बाय अपॉन 3 1 जा 3 8 3 जा अपॉन 26 और 9 कितना होता है 35, अरे 59 माइनस 24 करेंगे तो कितना आ जाएगा 35, अरे मैं सब बचा हुआ 26 यार 50 में से, अच्छा जैसे माइनस कितना है आंसर 35 अपॉन 3, अरे हाँ यार बच्चे
नहीं 36 आया, 26 और 9 बचा ना, बराबर 35 अपॉन 3, ये कितना आया था, कितना आया LHL RHL सेम है, मतलब फंक्शन क्या है, LHL इज इक्वल्स टू, देयरफॉर फंक्शन इज एट। अच्छा बच्चे लोग मान लो कि ये डिसकंटिन्यूस होता तो क्या होता, फिर ये डिसकंटिन्यूटी रिमूवेबल होती क्या? हाँ नहीं, देखो आप कांस्टेंट को बदल सकते हैं, आप कांस्टेंट को बदल सकते हैं, आप वेरिएबल्स को नहीं बदल सकते, इसलिए इस लिमिट को हम लोग क्या होते हैं, जंप डिसकंटिन्यूटी, क्या होते इसको, डिसकंटिन्यूटी है बट उसको हम लोग रिमूव अड्डा याद है क्या बोल रहे हैं, एफ ऑफ एक्स किसके बराबर है, एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 20 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 10, ये कब है, 0 से 3 के बीच में, फिर बोल रहा है कि आंसर 12 है, ये कब है, और x इक्वल्स टू 2, और फिर आंसर बोल रहा है 2 माइनस 2x माइनस x स्क्वायर अपॉन x माइनस 4 है, कब, जब वैल्यू कितनी है 3 से 4 के बीच, हम लोग को क्या बोल रहा है, यही दिया है ना, ठीक। अब यहां पर देखो बच्चों कैसे चेक करेंगे आंसर, देखो 0 से 3 के बीच में मतलब इसमें 2 भी आएगा है, और 3 से 4 के बीच में आपको साफ साफ दिख रहा है कि फंक्शन 3 पर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, फंक्शन 3 पर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, 3 से छोटा है अगर तो ये है, इफ फंक्शन इज लेस देन 3 तो ये, और अगर फंक्शन 3 से बड़ा है, सॉरी 3 से छोटा है तो ये, और 3 से बड़ा है तो फंक्शन 3 पर उसकी वैल्यू क्या आ रही है, चेंज हो रही है ना, हम लोग क्या करेंगे 3 पर चेक करेंगे, ये ना मेरे ख्याल से इक्वल टू की कंडीशन मगर यहां लगाया है ना, अच्छा इसके आगे कंडीशन और दिया है कि जब x2 नहीं है, मैंने नहीं लिखा, देखो x2 नहीं है तो ये है, x2 है तो ये है, जब 0 से 3 के बीच में तो फंक्शन ये है, और 3 से ज्यादा है, 3 से 4 के बीच में तो फंक्शन ये, एक बात को समझो इसमें ना, हाँ एट x इक्वल्स टू 2 पर चेक करना, समझ में आ रहा है, हम लोग क्या करेंगे, देखो 2 पर आंसर कितना है, और 2 नहीं है तो फंक्शन क्या, ये आप इसका लिमिट निकालो, आप क्या करो इसका, अगर इसका आंसर कितना है तो फंक्शन क्या हो, और अगर नहीं आया तो फंक्शन, समझा कि उसने 2 पे चेक करने बोला है ना इस बार, तो ये 2 पर अपना आंसर है कितना, और पीछे भी तो यही कहते ना, और 2 नहीं है तो फंक्शन क्या है, तो भैया हम लोग क्या करते हैं इसकी लिमिट निकालते, अगर इसका आंसर 12 आया तो फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूस, और 12 नहीं आया तो फंक्शन क्या होगा, तो ध्यान से देखो फटाफट निकालेंगे, साफ साफ दिख रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मतलब फैक्टराइजेशन से क्या करना है, सॉल्व करना, थोड़ा फटाफट करूंगा, ध्यान से देखो, लिमिट x टेंड्स टू 2 f ऑफ x क्या होगा, फंक्शन बोलो जल्दी से, x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 20 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस, हाय ना बच्चे, क्या होगा देखो, लिमिट x टेंड्स टू 2 फैक्टर निकाल लेते हैं, माइनस 20 का फैक्टर 8, 10 टू सा प्लस 10 माइनस, तो डायरेक्टली इनटू x प्लस 10 x माइनस माइनस 20, तो 10 टू सा ये प्लस, और ये प्लस माइनस माइनस 10 माइनस 2 8, तो डायरेक्टली लिख रहे x प्लस 10 एंड x माइनस, सही, 10 टू सा 20, 20 का फैक्टर माइनस 9 क्या आएगा, 5 4 सा 5 4 का ये माइनस, और ये माइनस 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 5 माइनस 4 माइनस 9, तो 2x स्क्वायर माइनस 4x
माइनस फाइव एक्स प्लस टेन सिंप्लीफाई करेंगे लिमिट x टेंड्स टू टू एक्स प्लस टेन एक्स माइनस टू दोनों में से टू एक्स क्या कर लेते हैं कॉमन तो x माइनस टू यहाँ से माइनस फाइव कॉमन तो x माइनस टू क्या आ जाएगा चलो लिमिट x टेंड्स टू टू अभी ये सब पीछे कर चुके हैं हाँ इसीलिए थोड़ा फास्ट फास्ट जा रहा हूँ दोनों में से x माइनस टू कॉमन ले लेंगे क्या आ जाएगा टू एक्स माइनस x माइनस टू से x माइनस टू x स्क्वायर कितना है टू टेन प्लस टू कितना आ जाएगा टू टू सा फोर माइनस फाइव कितना क्या सेम आ रहा है लिख लेंगे ना इजी अब इसी में ये आ रहा क्वेश्चन है क्या बोला है आइडेंटिफाई डिसकंटिन्यूटी आपको पता करना है कि कौन से टाइप की डिसकंटिन्यूटी है मतलब जंप है या फिर अभी सीखे थे पीछे फिर भी एक एग्जांपल ले लेते हैं कौन सा लो बोलो जल्दी से सेकंड ले लूं चलो देखो क्या हो रहा है f of x की वैल्यू बोल रहा है कि x square plus 3x minus 2 है और 5x plus 3 देखो एक बात को समझो ये कब है जब x की वैल्यू 4 या 4 से कम है और ये कब है जब 4 से देखो अगर ना एक जगह कांस्टेंट दिया हुआ है सिर्फ क्या दिया हुआ है तो आप कांस्टेंट को बदल सकते वेरिएबल को बदल मतलब अगर वेरिएबल दे दिया तो वो कौन से डिसकंटिन्यूट है जंप डिसकंटिन्यूट समझ में आ रहा है और अगर कांस्टेंट है सर तो उसको हम लोग हटा सकते तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे रिमूवर भाई क्लियर है ना पढ़ला अरे हाँ है ना भाई तो इसको सॉल्व करते हैं पहले तो चेक कर लेते जैसे उसने बोला डिसकंटिन्यूटी मतलब फंक्शन तो डिसकंटिन्यूस हो गई और डिसकंटिन्यूस तो डिसकंटिन्यूटी कौन सी होगी इररिव्यूएबल कौन सी होगी बच्चों कैसे बोलो समझदार दोनों जगह एक्स है ना आप उसको नहीं बदल सकते नंबर होता थ्री होता फोर होता तो मैं उसको क्या कर सकता था बदल के होता कि भैया ये रिडिफाइन करके मैं लिखने वाला देखो सर हम लोग पहले निकालते हैं लिमिट x टेंड्स टू 4 माइनस f कैसे 4 पे निकालते हैं सर 4 वो जगह है जहां पे फंक्शन क्या हो रहा बदल रहा है इसीलिए x टेंड्स टू 4 माइनस मतलब x की वैल्यू 4 से क्या हो रहा फंक्शन बोलो जल्दी से x स्क्वायर प्लस 3x माइनस सही है ना बच्चे क्या होगा सर जहां जहां x है उसके लिए 4 रखना है 4 स्क्वायर प्लस 3 इनटू 4 माइनस 2 कितना आएगा 16 प्लस 12 माइनस 12 माइनस 2 10 10 प्लस 16 26 ऐसे हम लोग क्या निकाल लेते लिमिट x टेंड्स टू 4 प्लस इसको LHL बोलते हैं ना और इसको क्या बोलेंगे याद रखना 4 प्लस f ऑफ x क्या आ जाएगा बच्चों क्या होगा फंक्शन 5x प्लस 3 4 रखना है तो 5 इनटू 4 प्लस कितना आएगा क्या दोनों सेम है सर LHL डज नॉट इक्वल्स टू देयरफॉर फंक्शन इज एंड डिसकंटिन्यूटी इज जंप फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एंड डिसकंटिन्यूटी इज जंप चिंदी अब इसी में सेवेंथ वाला देख वो रहा है show that the following function have the continuous extension to the point where f of x is not defined also find the extension वो रहा है कि पता करो मतलब show करो कि वो continuous हो सकता है और उसको क्या करो मतलब जहां पर continuous है वो भी पता करके बता देखो मैं second वाला ले रहा हूं क्या दिया बच्चों f of x की वैल्यू कितना दिया है 3 sin square x plus 2 cos x into 1 minus cos 2x upon 2 into 1 minus cos 2x ये कब है जब x की वैल्यू 0 बस इतना ही दिया देखो इस बात को समझो 0 नहीं है तो ये है 0 है तो कुछ पता है क्या मतलब पहले ही फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है क्योंकि वो 0 पे डिफाइन अरे आप समझे कि नहीं मेरे को देना चाहिए ना कि भैया 0 नहीं है तो ये 0 है तो ये उसने डिफाइन ही नहीं किया उसने खुद ही बोला ना जहां डिफाइन नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे उसका आंसर निकालेंगे और बोलेंगे भैया ये डिसकंटिन्यूअस है और डिसकंटिन्यूटी यहां पर क्या हो सकती है कंटिन्यूटी में कन्वर्ट समझा मैंने क्या बोला आपको एट x इक्वल्स टू 0 डिफाइन है क्या नहीं जब डिफाइन ही नहीं है तो चेक किस पे करो समझे आप क्या करते थे आप इसका आंसर निकाल देते और इधर वाले से मैच कर देते ना ये दिया ही नहीं है उसने वही तो बोला जहां डिफाइन नहीं है तो भैया सिंपल सी बात है सर मेरा जो आंसर आएगा वो जो भी आंसर आएगा मैं बोलूंगा वो एट एक्स इक्वल्स टू 0 पर होना चाहिए तभी मेरा फंक्शन क्या होगा कंटिन्यूअस कर लो मतलब बेसिकली बस आपको क्या निकालना है इसकी लिमिट्स निकालना है निकाल लो लिमिट
लिमिट x टेंस टू जीरो, जीरो पे चेक करना है ना, क्या होगा f ऑफ x, लिमिट x टेंस टू जीरो, सभी लोग ध्यान से देखेंगे, 3 साइन स्क्वायर x प्लस 2 कॉस x, 1 माइनस कॉस 2 थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा, नीचे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर, यहां पर भी साइन स्क्वायर x है, यहां पर भी साइन स्क्वायर x है, कॉमन निकाल लो, क्या होगा, चलो लिमिट x टेंस टू 0, ध्यान से देखेंगे दोनों में से साइन स्क्वायर x क्या लेना है हम लोग, कॉमन, तो यहां क्या बचेगा सर, यहां 3 बचेगा, ये 3 बचेगा ना, ये 2 2 जा 4 cos x, क्या बचा बच्चे लोग 4 cos x, नीचे क्या है आपके पास 2 sin square x, sin square x से sin square x, अब x की जगह 0 रखो, cos 0 कितना होगा, अरे बोलो cos 0 upon 2, तो 3 plus 4 into 1 upon 2, मतलब 3 plus 4 upon 2, कितना है आंसर, तो at x equals to 0, function should be what? Then only our function will be continuous, else our function will be distant. उसने पूछा था ना, देखो आप question. Show that the following function have continuous extension. Show करना था, हमने show किया भैया 7 by 2 पर वो क्या हो जाएगा? Continuous हो जाएगा. Where f of x is not defined. जहाँ पे defined नहीं था, 0 पे defined नहीं था, तो पता करके बारे. फिर बोला also find the extension. कितना आया? 7 by 2. कितना है बच्चों? समझा? महवीश? का नींद आ रही है? अच्छा उसको देख के नींद आ रही है, उसको बोल रही है, ए मम्मी कैमरा चालू कर दी, सभी बच्चे लोग यहां पे देखो, बोल रहे डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस एट द पॉइंट इंडिकेटेड अगेंस्ट देम, पहला क्वेश्चन देखो जरा क्या बोल रहा है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू दिया है √3 माइनस 10 एक्स अपॉन 5 माइनस 3 एक्स, और इसकी वैल्यू कितनी है 3/4, जब x pi by 3 नहीं है तो ये फंक्शन है, और जब x pi by 3 है तो 3 by, साफ साफ दिख रहा है, सब्स्टिट्यूशन वाला टाइप है, सब्स्टिट्यूशन से क्या करना आप लोग को सॉल्व, तो ध्यान से लिखिए सभी, हम लोग इसकी लिमिट निकालते हैं और देखते हैं 3 by 4 आ रहा है या नहीं, लिमिट x tends to 3 by, sorry, x tends to pi by 3 f of x, क्या होगा, चलो फंक्शन कितना बोलो, √3 माइनस 10 एक्स अपॉन पाई माइनस 3 एक्स, सही है बच्चों, हम लोग क्या करेंगे, पुट x माइनस पाई बाय 3 इज इक्वल टू टी, थोड़ा सा लेंथी है ध्यान से देखेंगे, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पाई बाय 3 प्लस टी, गर्ल्स एज x टेंड्स टू पाई बाय 3, एज x टेंड्स टू t टेंड्स टू व्हाट, पाई बाय 3 रखोगे तो पाई बाय 3 माइनस पाई बाय 3 कितना हो जाएगा, लिमिट चेंज करते हैं, लिमिट t टेंड्स टू 0 या क्या होगा √3 माइनस 10, x की जगह क्या होगा, चलो पाई बाय 3 प्लस t, नीचे क्या हो जाएगा पाई माइनस 3, x की जगह क्या आएगा पाई बाय 3 प्लस t, वेरी गुड, tan a प्लस b क्या होता है फॉर्मूला, tan a प्लस tan b, बाहर माइनस है तो इसको ब्रैकेट में लिखिए, tan a प्लस 10 b अपॉन 1 माइनस 10 a, सही है बच्चा लोग, द होल डिवाइड इसको अंदर मल्टीप्लाई करो पाई माइनस 3 इनटू पाई बाय 3, 3 से 3 प्लस माइनस 3, सही बात है, प्लस पाई माइनस पाई, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, 10 पाई बाय 3 मतलब 10 60, 60 में कितना होता है, 1060 में कितना होता है, 1 √3 होता है, कितना होता है, चलो तो डायरेक्टली मान के चलते हैं √3 कितना है यहां पर, तो √3 * 1, अरे बोलो √3 माइनस यहां पर √3 है ना, √3 * √3 3 10t, इसको बाहर निकालो ब्रैकेट, 10 10 पाई बाय 3 कितना होता है √3, बाहर आएगा तो कितना हो जाएगा माइनस √3 प्लस माइनस माइनस, मैंने कुछ स्टेप खा गया समझा ना, अच्छा क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद ये द होल में आएगा ना, इसको नीचे लिख देता हूं, अरे चलेगा कि नहीं भैया, 1 माइनस √3 10, कोई दिक्कत समझा, हम लोग ने इस 10 पाई बाय 3 की जगह पर √3 माने
और इसको पूरा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, रूट थ्री इंटू वन रूट थ्री माइनस रूट थ्री इंटू रूट थ्री थ्री टेन, इसको बाहर निकालिए माइनस टेन, पाई बाय थ्री कितना था रूट थ्री ना, तो माइनस रूट थ्री प्लस माइनस माइनस टेन, क्लियर। मल्टीप्लाई करने के बाद द होल में आएगा तो उसको कहां लिख दिया मैंने नीचे, ये प्लस रूट थ्री से माइनस रूट थ्री माइनस थ्री टेन टी माइनस टेन टी कितना जाएगा माइनस फोर टेन टी अपॉन माइनस थ्री टी, यहां पर वन माइनस रूट थ्री टेन, ध्यान से देखो बच्चे माइनस से माइनस टेन टी अपॉन टी कितना जाएगा, बस बाकी तो कोई टेंशन है ही नहीं। तो क्या होगा अप्लाई लिमिट फोर बाय थ्री, यहां पर ये डिनोमिनेटर में याद रखना वन माइनस रूट थ्री टेन जीरो, टेन जीरो कितना होता है रूट थ्री इंटू जीरो जीरो, क्या बचेगा वन बचेगा, आंसर कितना आया, अरे ये वन बचा है ना, वन माइनस जीरो वन, वन इंटू थ्री आना कितना चाहिए था आया कितना। अच्छा एक चीज को यार बहुत बार ना आंसर बड़ा करीबी आता है, होता है रेसिप्रोकल हो जाता तो कंटिन्यूस, हम लोग को लगता है कुछ गड़बड़ी कर, बहुत बार ऐसा होता है तो क्रॉस चेक कर लेना, फोर बाय थ्री आया आंसर आ रहा कितना चाहिए था। तो देखो मैं क्या लिखूंगा, लिमिट x tends to pi by 3 f of x is not equals to f of pi by, इसका लिमिट f of pi by 3 के बराबर अगर आता तो कंटीन्यूअस होता बट बराबर, therefore function is समझा कोई दिक्कत, झूठ तो नहीं बोल रहे, ठीक है। सेकेंड वाले को स्टार मार्क कर लो, क्या दिया है f of x is equals to e raised to 1 by x minus 1 upon e raised to 1 by x plus 1, ये कब है for x equals, for x does not equals to 0, और ये 1 है, ये कब है बच्चों for x equals to 0। देखो normally हम लोग ऐसे functions जब होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं directly solve करते हैं, इसका derivative निकालते हैं और ये अगर आया 1 तो हम लोग क्या बोलते हैं कि function क्या है continuous है, but इस case में ऐसा नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते इस बात को, अगर आप x की जगह 0 रखोगे 1 upon 0 इनफिनिटी हो जाएगा और e raise to इनफिनिटी तो फिर वो इंडिटरमिनेट फॉर्म में चले जाएगा, इनफिनिटी बाय इनफिनिटी हो जाएगा, आप इसको डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते। तो कैसे सॉल्व किया है? सवाल ये है, कौन सा फॉर्मूला बताओ, देखो इस फंक्शन को हम लोग सॉल्व करेंगे लेस देन और ग्रेटर देन से, कैसे सॉल्व करेंगे लेस देन और ग्रेटर देन से। देखो नॉर्मली अगर आपको पता है कि मान लो मैं बोलता हूं कि ये लेस से, मैं बोल रहा हूं कि ये जीरो है, मैं क्या चलो ये क्या बोल रहा हूं, तो अगर मैं लेफ्ट साइड से आ रहा हूं, लेफ्ट से यहां से मैं यहां आ रहा हूं, तो इन दोनों के बीच में कुछ एच होगा, इन दोनों के बीच में क्या होता है, सुन लो इसको कैसे लिखते हैं जीरो माइनस एच, कैसे लिखते हैं, और अगर कुछ आगे होते तो कैसे लिखते हैं जीरो प्लस एच, पीछे हूं तो जीरो में से एच माइनस करूंगा तो यहां पहुंच जाऊंगा, और जीरो में एच प्लस करूंगा तो यहां पहुंच जाऊंगा। तो मैं बोल रहा हूं कि मैं लेफ्ट हैंड लिमिट लूंगा और मैं क्या लूंगा और मैं एक्स की जगह क्या रखूंगा जीरो माइनस एच, क्या रखूंगा ऐसी, जब मैं राइट हैंड लिमिट लूंगा तो एक्स की जगह क्या रखूंगा जीरो प्लस, समझा मैंने क्या बोला, एच बेसिकली है, बेसिकली क्या है वो डिफरेंस, जब लोग बोलते हैं ना कि भैया मेरा एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स द जीरो मतलब जीरो के करीब है, करीब है ना जीरो नहीं है, तो वो थोड़ा सा जो गैप है उसको हम लोग क्या बोलते हैं एच लिमिट, समझ में आ रहा है। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं निकालने आ रहा हूँ लेफ्ट हैंड लिमिट, क्या निकालने आ रहा हूँ मतलब मैं बेसिकली निकालने वाला हूँ लिमिट x टेंड्स टू जीरो माइनस, निकालने वाला बच्चे लोग मतलब जीरो माइनस मतलब जीरो से पीछे हूँ, मतलब बेसिकली मैं कहा हूँ जीरो माइनस x, तो मैं यहाँ पर x की जगह क्या रखने वाला हूँ जीरो माइनस माइनस वन, ऐसे यहाँ पर भी x की जगह क्या होगा जीरो माइनस x प्लस, अरे ये समझा बच्चे, एक बात समझो सर, यहाँ h की है ना, यहाँ क्या किया आपने, तो यहाँ पर भी लिमिट किसकी रखेंगे, अच्छा मैंने बोला कि भैया 0 माइनस एच किसके बराबर था, ये वाले पॉइंट के बराबर था x के, हम लोग x लिए थे ना उसको, तो भैया अगर h x को 0 रखूंगा तो h भी कितना होगा, अरे 0 रख दो ना यहाँ पर, माइनस एच इधर आ जाएगा प्लस एच हो जाएगा तो h कितना रहेगा, तो लिमिट h टेंड्स टू अभी भी क्या रहेगी, समझा मैंने क्या बोला, 0 माइनस एच ही है मेरा पॉइंट था ना, चलो तो मैं बोल रहा हूँ कि अगर मेरा x 0 है
माइनस एच को उठाएंगे तो लिया प्लस एच होगा, तो एच की वैल्यू भी कितनी रहेगी, जीरो ही रहने वाली। ऐसी जीरो प्लस एच के लिए भी एच की वैल्यू कितनी रहेगी, समझा मैंने क्या बोला? तो भैया एच टेंडिंग टूवर्ड जीरो, एक्स टेंडिंग टूवर्ड जीरो माइनस मतलब एच किसकी तरफ है, जीरो। आप ध्यान से देखो इसको जरा सिंप्लीफाई करो, क्या होगा लिमिट एच टेंड्स टू जीरो। देखो मैं क्यों इस पे स्टार मार्क कर रहा हूं बच्चे इस बात को, नॉर्मली हम लोग ऐसे टाइप के प्रॉब्लम को डायरेक्टली इसका लिमिट लेके सॉल्व करते हैं, बट यहाँ पर ऐसा हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं, हम लोग क्या निकाल रहे हैं राइट हैंड, समझ में आ रहा है? इसीलिए मैंने बताया क्यों करवाया ये भी बताया मैंने, क्योंकि अगर डायरेक्टली रखेंगे तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी का फॉर्म आ रहा है जो कि पॉसिबल नहीं। इसीलिए देखो लिमिट एच टेंड्स टू जीरो क्या होगा, यहाँ पर सर ई रेस टू माइनस वन अपॉन एच हो जाएगा, माइनस वन ऐसी ये दिया हो जाएगा ई रेस टू माइनस वन अपॉन एच, अरे जीरो माइनस एच कितना माइनस एच ना, तो माइनस को ऊपर लिख दिया, ऐसी जीरो माइनस एच कितना माइनस एच, तो माइनस को क्या लिख दिया, अच्छा ई रेस टू माइनस वन अपॉन एच मतलब, अरे बोलो सर उसको आप लिख सकते वन अपॉन ई रेस टू वन बाय एक्स, हाँ है ना, ऐसी इसको भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है? अब देखो बच्चे अगर आप करो लिमिट एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी वाला टाइप, अगर मैं एच की जगह जीरो रखता हूं, एच की जगह क्या रखता हूं जीरो, एच की जगह क्या रखता हूं ये वन अपॉन जीरो क्या होगा इंफिनिटी, ई रेस टू इंफिनिटी मतलब इंफिनिटी, वन अपॉन इंफिनिटी अगर जीरो ना ये इन्फिनिटी हो रहा है ना, वन अपॉन इन्फिनिटी कितना होगा ऐसी ये भी कितना आ जाएगा जीरो माइनस वन ऐसी जीरो प्लस कितना है आंसर माइनस वन अपॉन वन दैट इज, अरे समझा ये हुआ लेफ्ट हैंड। अब क्या निकालेंगे, बस आरएचएल निकाल लेते हैं, आरएचएल लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो मतलब सर यहां पर अभी भी एच कितना रहेगा जीरो, जीरो प्लस एच इज इक्वल टू एक्स होगा, एक्स की वैल्यू तो जीरो है तो एच की वैल्यू भी कितनी रहेगी जीरो, यहाँ पर ई रेस टू जीरो प्लस एच माइनस वन, ई रेस टू जीरो प्लस एच, सही बात है बेसिकली वन अपॉन एच बचेगा, क्या बचेगा वन अपॉन एच, ध्यान से देखो सब लोग, तो यहाँ पर भी ई रेस टू वन अपॉन एच प्लस सर अगर यहाँ डायरेक्टली एच की जगह जीरो रखते तो ई रेस टू वन अपॉन इन्फिन मतलब ई रेस टू वन बाय जीरो मतलब इन्फिनिटी हो जाएगा, ये तो इन्फिनिटी का इन्फिनिटी होगा चलेगा, दोनों में से ई रेस टू वन बाय एच कॉमन क्या ले लो, तो यहाँ वन यहाँ माइनस वन अपॉन ई रेस टू वन बाय एच हो जाएगा, नहीं था ना, अरे आप वन की जगह लिख सकते हो ई रेस टू वन बाय एच अपॉन ई रेस टू वन बाय एच ऐसा लिख सकते हो, दोनों में से ई रेस टू वन बाय एच बाहर निकालेंगे, यहाँ क्या बचेगा वन, यहाँ क्या बचेगा माइनस वन अपॉन ई रेस टू वन, समझा? अरे यार पक्का ना, ए माइनस बी अगर है और आप दोनों में से अगर a कॉमन निकालते हैं तो a बाहर आता है, a की जगह वन लिखते हैं, वहां b by a लिखते हैं ना, वही काम तो करो, यहाँ नहीं था तो यहाँ e raise to one by h नीचे लिख दिया, सेम काम नीचे भी करो, वन प्लस वन अपॉन e raise to one by, ये समझाने के लिए लिखा था, याद रखना e raise to one by h, e raise to one by h, फिर से देखो आप जब h की जगह जीरो रखोगे वन बाय जीरो कितना होगा इन्फिनिटी, e raise to infinity, infinity, वन अपॉन इन्फिनिटी मतलब ये कितना होगा वन माइनस जीरो और ये कितना होगा कितना है क्या एलएचएल और आरएचएल सेम है देखो फंक्शन इस अरे समझा पक्का ये वाला चार मार्क क्यों करवाया ये समझा बच्चे ने अजीब बच्ची है यार डायरेक्टली करने पर नहीं आ रहा था ना इसीलिए लेफ्ट हैंड और राइट हैंड वाला केस लेके उसको सॉल्व किया